नाउ नेक्स्ट डिटेल हम देखते हैं कि अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को किस तरह से हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो हमारी नेक्स्ट मेन हेडिंग है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो तरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे पास. नंबर वन सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेट है, एंड नंबर टू हमारे पास जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की डिटेल्स हैं. और ये दोनों एक्चुअली साइट हेडिंग है, इसलिए मैं होम के टैब से इनको इंडेंट कर देता हूँ. और फाइनली हम इसको देखेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को. अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्चुअली सेल्स एंड मार्केटिंग और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की हमें बेसिकली पूरे ब्रेकअप्स बनाने होंगे, और उसके बाद फिर हम उनकी डिटेल्स को इसमें ऐड कर सकते हैं. तो मैं अपनी इनकम की शीट पर थोड़ा नीचे लाइक रॉ नंबर 30 पे चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैं बेसिकली हेडिंग्स टाइप करता हूँ जिसमें सेल्स एंड मार्केट शेड्यूल होगा हमारे पास, और इसमें दो हेडिंग्स होंगी एप्पल कमीशन और दूसरी होगी हमारे पास गूगल कमीशन. एक्चुअली है क्या ये स्टोरी, देखिए मिसाल के तौर पर हमें ये पता करना है कि हमारे पास जो सेल्स एंड मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि गूगल और एप्पल प्ले स्टोर्स एक्चुअली हमारे एप्लीकेशन को सेल कर रही है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो हमसे तकरीबन 30% चार्ज कर रही है और हमारी एप्लीकेशन को सेल करने के लिए. तो हमें ये समझना है कि हम अगर उसे 30% पे कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन सेल करने के लिए, तो उनके स्टोर से एक्चुअली हमारे टोटल रेवेन्यू पर कितना इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है. तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी जो टोटल इनकम जनरेट हो रही है उसका 50% रेवेन्यू इन दोनों स्टोर से डायरेक्टली जो लोग एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर रहे हैं, एप्लीकेशन को परचेज कर रहे हैं, तो वह एक्चुअली डायरेक्टली इन दोनों स्टोर से जो है वह एप्लीकेशन को परचेज कर रहे हैं, और बाकी जो 50% रेवेन्यू है वो मेरे पास किसी दूसरे सोर्सेज से लाइक एफिलिएटेड कोई वेबसाइट से वहाँ से लोग परचेज कर रहे हैं या फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से परचेज कर रहे हैं, तो उनके पास डिफरेंट सोर्सेज से जहाँ से वो बेसिकली डाटा मेरी एप्लीकेशन को परचेज कर रहे हैं. तो मुझे अजम्पशन शीट पर जाना है और ये बताना है कि एक्चुअल रेवेन्यू जो मेरे पास जनरेट हो रहा है, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि 30-30% जो मैं कमीशन दे रहा हूँ दोनों स्टोर्स को, एक्चुअल में मेरे पास इन दोनों जो रेवेन्यू है वो कितना परसेंट मेरे पास जनरेट हो रहा है. तो मैं रॉ नंबर 30 पर एक न्यू रॉ इंसर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग टाइप कर रहा हूँ लाइक परसेंटेज ऑफ सेल्स जो मेरे स्टोर्स हैं लाइक कुछ भी, तो वहाँ से जो मेरे पास सेल्स जनरेट हो रही है वो कितने परसेंट है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 50% रेवेन्यू मेरे पास जो जनरेट हो रहा है वो इन दोनों प्ले स्टोर्स की मदद से हो रहा है, इसीलिए मैं इनको 30% कमीशन भी दे रहा हूँ. सो मैं अगेन अपनी इनकम शीट पे दोबारा आ रहा हूँ, और सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि एप्पल कमीशन का सेल रेफरेंस यहाँ पर क्रिएट करना है. सो हम जा रहे हैं इक्वल्स टू अजम्पशन शीट पर, और यहाँ पर 30% जो हमारे पास iOS का रेफरेंस है वो हमने डिफाइन किया, और इसी तरह से एंड्रॉयड के लिए हम गूगल का रेफरेंस देते हैं. इक्वल्स टू असम्पशन शीट पर जा रहे हैं, और यहाँ पर हमने 30% एंड्रॉयड का कमीशन जो है वो डिफाइन कर दिया. देन उसके बाद अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं एप्पल कमीशन जो टोटल रेवेन्यू का है वो कितना हमें पे करना है. तो हमने देखा इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू पे चले जाते हैं, और इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अजम्पशन शीट पे जो हमारे पास 50% सेल्स जनरेट हो रही है उससे, और इस सेल को मैं कीबोर्ड से F4 करके एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, एंड देन मल्टीप्लाई बाय इनकम की शीट पर दोबारा आते हैं, और यहाँ पर 30% जो हमने एप्पल कमीशन स्टोर पर का रेफरेंस दिया हुआ है उस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से F4 करके इसे भी एब्सोल्यूट करते हैं. तो एक्चुअली जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू जो कमीशन हमें पे करना है वो एक्चुअली $327 है, और सेम तरीके से हम
यही फार्मूला गूगल कमीशन के लिए अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू जो टोटल रेवेन्यू है उसे हमने सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय, और हम चले जाते हैं अजम्पशन शीट पे, 50% रेवेन्यू हमें इन स्टोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है, सो इस सेल को एफोर्ड करके एब्सोल्यूट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय, इनकम की शीट पे दोबारा आ रहे हैं, और यहाँ पर हमने गूगल का कमीशन सेलेक्ट किया और इसे भी हमने एफोर्ड करके एब्सोल्यूट किया एंड देन इंटर। ओके, सो हमारे पास रेवेन्यू का सेल सेलेक्ट नहीं हुआ था, सो हम रेवेन्यू के सेल सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन मल्टीप्लाई बाय एंड देन इंटर। सो हमारे पास सेकंड सेल पर भी रेफरेंस जो है वो जनरेट हो गया, सॉरी इसको डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों वैल्यूज जनरेट होने के बाद इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, बाकी तमाम सेल्स पर इसे भी हम पेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमने अभी एक्स के जरिए इसको रोका नहीं है, सो मैं कुछ सेल्स पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर इन दोनों सेल्स कमीशंस को कॉपी करके तमाम बाकी सेल्स पर मंथ वाइज उसे पेस्ट कर दिया, तो ईच मंथ का हमारे पास कमीशन अवेलेबल हो गया।